प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर कि मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबारे, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डारे। कि ये मानुष शरीर जिसको पाकर तू परमात्मा भूल चुका है, ये तो ऐसा है जैसे वृक्ष से पत्ता टूट के गिर जावे, उसके उपरांत वह पुनः स्थापित नहीं होता। एक बार आपके इस परिवार से संस्कार समाप्त हो गए, आप दोबारा इसी शरीर में इस परिवार में दोबारा नहीं आ सकते। इसलिए उस परमेश्वर की याद करो, परमात्मा को मत भूलो। परमेश्वर के भूल जाने से जीव बहुत दुखी होता है। क्या क्या बताते हैं, नर सुनरे मूड गवारा भाई राम भजन तत्सारा, नर सुनरे मूड गवारा ये राम भजन तत्सारा। अरे नादान प्राणी, मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा को भूल रहा है। केवल परमात्मा का भजन ही तेरे जीवन का सार है, ये एक निष्कर्ष है। क्या बताते हैं, राम नाम निज सारे है, राम नाम निज मूले, राम नाम सौदा करो राम नाम ना भूले। खान पान तो को दिया उधर बीच अनुपाने, तिस समर्थ की बंदगी अब भूल गया सैताने। के जिस परमेश्वर ने मां के पेट में भी तेरी परवरिश की, सारी व्यवस्था तेरी कर रखी थी, तेरे आने से पहले भी परमात्मा ने तेरे पूरे जीवन का पूर्व निर्धारित व्यवस्था करके आपको दिया हुआ सारा संस्कार है। यहां आकर के आप परमात्मा को भूलकर स्वयं सयाने बन जाते हो, अपने प्रयत्न से तुम सेठ बनना चाहते हो और उसे ना बनने के कारण फिर लूट खसोट करते हो, मिलावट करते हो, किसी की आत्मा दुखाते हो, चोरी करते हो, ये माँ पाप के भागी बन जाते हो और संस्कार से ज्यादा आप प्राप्त नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने कोई 2 लाख रुपए कमा भी लिए दुर्दत करके, झूठ कपट बोल के, फिर मनमाना 4 लाख का घाटा हो जाए, वो 2 लाख भी गए और 2 लाख और गए, और वो पाप जो कमाए थे, जो पाप इकट्ठे हुए थे उन माया के इकट्ठे करने में झूठ कपट बोल के, वो आपको ज्यो के तो बैलेंस रह गए, वो तो आपने भोगने पड़ेंगे और पैसा रहा नहीं। इसलिए क्या बताते हैं, कि उस परमात्मा को याद करो, मां के पेट में भी तेरी परवरिश की, आपका पालन पोषण किया। जब बच्चा मां के पेट से बाहर आता है उसका दांत नहीं होते, उसके साथ साथ मां के सतन में दूध भेज दिया, उससे पहले मां के सतन में दूध नहीं था। और परमात्मा कहते फिर ऐसे समर्थ को जो तेरी पल पल में ख्यास रखे, तेरे पल पल में सुविधा प्रदान कर रहा है, आने से पहले तेरे ऊपर रहम कर रहा है, उसको तू भूल रहा है। तीस समर्थ की बंदगी क्यों भूल गया शैतान, ए मूड गवारा ये राम भजन तत्सारा, राम भजन बिन बैल बनेगा सोकर स्वान शरीरम, कौवा खर की दे धरोगे मेटे नया तक सीरम।
कीट पतंग भवंग होते है गीदड़ जुम्बक जूनी बिना भजन जड़ वृक्ष कीजिए इस पद बिन काया सुनी भक्ति बिना नरखर एक है जिन हर पद नहीं जान्या पार ब्रह्म की परख नहीं रे अब पूज मरे पाषाण सथावर जंगम मैं जगदीशम व्यापक ब्रह्म बिनानी निरालंब न्यारा नहीं दर्शे भुगते चारों खानी तोल न मोल उजन नहीं आवे अस्थिर आनंद रूपम घटमट मैं तत्सेती न्यारा वसो हम सत्य स्वरूपम बादल छा ओस का पानी ये तेरा उन्माना आठ पटन कृत्रम सब झूठा ये श्रेंचक सुख डपटाना निराकार निर्भय निर्बानी सुरत निरत निरतावे आत्म राम अतीत पुरुष को ग्रीब दास नो पावे। परमात्मा के विषय में आदरणीय ग्रीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे तो राम भजन बिन बैल बनोगे, शुक्र समान शरीरम। शुक्र कहते हैं सुअर को, समान कहते हैं कुत्ते को। ये योनियां तुझे भोगनी पड़ेंगी और फिर क्या बनोगे, कौवा खर की दे धरोगे मिटे ना ये तकसीरम। कौवा फिर खर गधा बनोगे, ये दुख तुम्हारे समाप्त नहीं होंगे यदि आप परमात्मा की भक्ति विधिवत नहीं करोगे। इसमें बहुत गहन, बहुत ही गहरा जो है ना ज्ञान दिया है। क्या बताते हैं, भक्ति बिना नरखर एक है जिन हर पद नहीं जान्या पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं रे पूज मरे पाषाण। के बिना भक्ति तो भाई आदमी में और गधे में कति कोई अंतर नहीं। आप पेट के लिए एक मजदूर सुबह से लेकर शाम तक खूब प्रयत्न करता है, पशु से भी ज्यादा कार्य करना पड़ता है। किसान सुबह से लेकर शाम तक बगैर लिमिट, इसका तो कोई लिमिट है कोई ना काम की, सुबह 4 बजे उठ जा, 6 बजे पहुंच जा, शाम में 11 बजे। और पशु भी हार के बैठ जाता पर किसान को फिर भी लगा रहना पड़ता है उसकी देखभाल में। फिर दुकानदार है, सुबह जा बैठा 8 बजे, शाम के 8 बजे तक आंख पाड़े देखे जा। यानी एक पेट के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। मंडी में पल्लेदार होता है, सारा दिन मनमाना 100 क्विंटल वजन इधर से उधर पटक देता है। परमात्मा कहते हैं भक्ति नहीं करोगे तो मनुष्य में और गधे में कोई अंतर नहीं। जितने भी हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ज्यादा जिम्मेवारियां आती हैं, उतना ही बर्डन दिमाग पर उसके अधिकारी पर बढ़ता चला जाता है। परमात्मा बताते हैं अगम निगम को खोज ले भाई बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले है तो बिन नाम बिगारे। बिगार किसे कहते हैं, बिगार कहते हैं ये प्राइवेट व्हीकल को, और कई बार सरकार ले जाती है। अब तो इनको तेल त्याल दे दे हैं, दाड़ी भी दे देते हैं दिन की जिसी इनकी सिलेक्ट करते हैं। पहले पुराने समय में क्या करते थे, ये जैसे 3 व्हीलर होए, 4 व्हीलर होए, कोई जीप जाप थी, इनको पुलिस वाले पकड़ ले जाया करते। साधन थे को नहीं, इनको फिर गांव में कोई चोर चार को पकड़ने के लिए, रेड डालने के लिए सुबह ले जाते, 4 बजे बुला लेते और शाम को 10 बजे छोड़ते। और वो तेल भी खुद डलाया करता, उस दिन की डैडी भी गई और 1 मिनट डटे नहीं, भागा भागी रहा करती सुबह तो लेकर शाम तक। तो वो अगले दिन आपस में चर्चा करते थे कि कल ना आया भाई कहाँ चला गया था, दूसरे उसके साथी
थ्री व्हीलर वाले का आकर के वो कहता भाई कल बेगार में फंस गया था, सुबह ले गए भाई 4 बजे, शाम ने 10 बजे 11 बजे छोड़ा, खान खाया खान पीन भी ना पाया, पैसे भी 200 रुपये दोहरे तला गए, अपने पास से ही खर्च करने पड़े, इनकम कुछ नहीं हुई, प्रयत्न मेहनत परिश्रम और दिनों से ज्यादा हो गया, तो उसको बेगार कहा करते हैं। तो यहां परमात्मा हमें उससे तुलना करते हैं कि अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार जरा सा सोच विचार कर ले। आप सोचने का समय को नहीं, हमें माया लुटन लुटन की चिंता ज्यादा बनी हुई है, कार कोठी बनाने में ज्यादा ध्यान रखे, फैक्ट्री फुक्ट्री लाने में लगे रहते हैं, हम सोचते नहीं। और सोचने का समय मिलता सत्संग में, और सत्संग प्राणी को कलयुग में मिल नहीं रहा। अब कारण क्या है कि जो संतों के आप सत्संग सुनने जाते थे वह तो वह मीठी गोली दिया करते, दो कथा इधर की सुना दी, उनका सिर ना पैर, श्रद्धालु भी संत का सत्संग सुनाए, अच्छा कर्म बन गया। सत्संग का सत्संग उसी को कहते जिसमें निर्णय दिया जाता है, जिसमें शास्त्र आधार रखे जाते हैं, उसको सत्संग, सत्य के साथ साथ रहना, सत्य का आधार बनाकर चलना। तो अभी तक हमें सत्संग ही नहीं मिला था, और सत्संग में आने से ये विवेक होता है कि सचमुच ये क्या कहानी है, ये क्या जीवन है, आज हम खरबपति हैं, कल मृत्यु हो जाए फिर गदापति, कुछ भी को नहीं पल्ला हमारे, कल मृत्यु होते पशु बन जाएंगे, ये सारा जोड़ा जाड़ा जो सारे जीवन का प्रयत्न था वो सारा का यही रह गया, और मिलना मिलाना था वो भी आप ही का पूर्व जन्म का संस्कार था, उससे कम बत्ती नहीं हो सकता। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं कि मान लीजिए तुझे सारी पृथ्वी का राजा भी बना दे, पूरी पृथ्वी के राजा को और ज्यादा चिंता बन जाती है, और ज्यादा सारा दिन भागो भाग रहती है, और अंत में शरीर छोड़ जाता है, ये पृथ्वी भी यहीं रह जाती है, और सारा जीवन वो भागा दौड़ी का वो मजदूरी जो प्रयत्न करके गया वो भी व्यर्थ जाती है, क्योंकि परमात्मा के नाम में वो समय लगाया को नहीं। इस प्रकार कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार, बेगार यानी व्यर्थ, परिश्रम परिश्रम कर लिया, आउटपुट कुछ नहीं बनी। तो इसलिए परमात्मा याद दिलाते हैं कि भक्ति बिना नरखर एक है, जिन हर पद नहीं जान्या, हर पद माने पूर्ण परमात्मा की विधिवत साधना। पद पद के संत भाषा में दो अर्थ होते हैं, एक तो पद होता है जैसे परमात्मा की सतीथि समझना, हर पद नहीं जान्या, जैसे तीन लोक के राम हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका यही पद है, ये इसी पद इसी कैटेगरी के राम हैं। जैसे आपने अभी राम नाम सुना है कि नर सुन रे मूड गंवारा, राम भजन तत्सारा। अब जैसे हम राम नाम लेते हैं तो राम नाम सुनते ही हमारी बुद्धि की सुई श्री रामचंद्र जी पर पहुंच जाती है, जो श्री राजा दशरथ के पुत्र थे, क्योंकि हमें दंत कथाओं के आधार पर इन्हीं को सुप्रीम पावर बताया गया, यही पूर्ण परमात्मा बताए गए। तो परमात्मा कहते हैं पहले तो तुम राम की इन कैटेगरीज को समझो, राम पद को समझो, जिन हर पद नहीं जान्या, जिन्होंने परमात्मा की सतीति का ज्ञान नहीं हुआ वो भक्ति करते हैं तो भी विफल रह जाते हैं। तीन लोक के राम हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, एक एक विभाग के मंत्री हैं, एक ब्रह्मांड में इन तीनों भगवानों की एक एक विभाग की ही महिमा है, इनके ऊपर इनकी हुकूमत है, प्रभुता है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड में इनके पूज्य पिताजी ब्रह्म जिसे ज्योति निरंजन कहते हैं,
21 ब्रह्मांड के राम हैं ज्योति निरंजन ब्रह्म, वो भी राम हैं, उनकी ये पद है, उनकी इतनी महिमा है। 7 संग ब्रह्मांड के राम हैं परब्रह्म, जिसे अक्षर पुरुष भी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, वो इतना राम है। और सबसे ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर, वो पूर्ण ब्रह्म है जो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है। असंख्य ओवरऑल कंट्रोलर ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 एक ब्रह्मांड में तीनों विभागों पर भी वो मालिक है, वो राम है। ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों पर भी राम है, पर ब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों पर भी वो मालिक है, और पूर्ण ब्रह्म वो खुद है ही, वो सारे ब्रह्मांडों का मालिक है। ये पद है, ये उनका पोस्ट है, उनकी स्थिति है भगवानों की, कौन कितनी पावर का है। कहते हैं जिन हर पद नहीं जाना, जिन्होंने परमात्मा की स्थिति का ज्ञान नहीं हुआ, तो वो भक्ति करके भी असफल रह जाते हैं। बिना नरखर एक है जिन हर पद नहीं जान्या, पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं रे पूज मरे पाषाण। पूर्ण परमात्मा की पहचान हुई नहीं और पत्थर पूज का मर गए। कहीं मंदिर में भगवान बना लिया पत्थर की मूर्ति बना के, कहीं की तो पहाड़ के ऊपर धर दिया एक पत्थर उठा के, कह दिया यहाँ भगवान रहता है, तो गोली आत्मा वहां भी जाने लगे। परमात्मा की महिमा का वास्तविक ज्ञान न होने से हम ज्यादा भ्रम भटक गए, और जब तक हमें पूर्ण पर पूर्ण संत नहीं मिलेगा, तब तक हम ऐसे ही भक्ति करके भी अपना जीवन व्यर्थ करते रहेंगे। व्यर्थ का तात्पर्य ये है कि जैसे आपने ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना की, उनसे जो लाभ मिलना था वो लाभ मिल गया, स्वर्ग चले गए, या विष्णु जी के लोक में विष्णु उपासक चले जाते हैं, शिव जी के लोक में शिव जी के उपासक चले जाते हैं, ब्रह्मा जी के लोक में ब्रह्मा जी के उपासक चले जाते हैं, ब्रह्म लोक में ब्रह्म साधक चले जाते हैं, और फिर उनकी जन्म मृत्यु ज्यों की त्यों बनी रहती है। वेदों में वर्णित विधि से, गीता जी में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं होती, केवल आध्यात्मिक इतना ही लाभ मिलता है, सिद्धियां आ जाती हैं, स्वर्ग महास्वर्ग में उच्च पद प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, शिवलोक, ब्रह्मा लोक, शिवलोक जिसकी साधना करी वहां पहुंच गए, वहां तो उनका समय बहुत कम है। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से बहुत ही कम समय तक स्वर्ग प्राप्ति होती है, फिर तुरंत ही 84 लाख योनियों में ये भोग भोगने होते हैं। और ब्रह्म साधना से वेदों अनुसार वर्णित विधि केवल ओम नाम के जाप को ही आधार मान के जो जाप साधना करते हैं संतजन ऋषिजन, वो ब्रह्म लोक में चले जाते हैं, और ब्रह्म लोक तक भी विनाश में आते हैं। गीता जी के 10:8 के मंत्र 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत, ब्रह्म लोक तक सभी लोक पुनर्वर्ती में हैं, अर्थात ये इनके प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, इनका विनाश होता है, ये पुनर्फिर जन्म होता है। गीता जी के 10:15 के 16 श्लोक में कहा है कि क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, इन दोनों के प्राणियों की और इन दोनों की स्थिति ये है कि इनके सथूल शरीर नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी होती ही है। 10:15 के श्लोक 17 में कहा है कि इन दोनों से भी अलग है वो परमात्मा जिसको अविनाशी भगवान कहा जाता है, जिसको वास्तव में परमात्मा कह सकते हैं, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी प्रभु परमात्मा है। तो यहां परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि ये तीनों, ये ब्रह्म परब्रह्म
और इन ब्रह्म के तीनों पुत्र ये सभी नाशवान है, अविनाशी परमेश्वर नहीं है। अविनाशी परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, वो तीसरे नंबर का वही परब्रह्म ही, वो पूर्ण ब्रह्म ही ऊपर तीन अन्य लोकों में भी स्वयं ही विराजमान है अपने अन्य रूप बना के। सतलोक में पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष रूप में है और फिर अलख लोक में अलक पुरुष रूप में है, अगम लोक में अगम पुरुष रूप में है, अनामी लोक में वही परमात्मा अनामी पुरुष रूप में मनुष्य सदृश शरीर में विराजमान है। अभी तक जितने भी आपने संतों या पंथों के ज्ञान सुने हैं उन्होंने सतपुरुष तो सुन रखा, कबीर साहब की वाणी तक अलक पुरुष भी सुन रखा है, अगम पुरुष भी गोट रखा है और अनामी पुरुष भी याद कर रखा है, पर उन्होंने कह कह का पता नहीं वो भगवान है कैसा, क्योंकि उनका अनुभव नहीं, उनका कोई अपनी अपनी जो कोई उपलब्धि नहीं, नादानों को सदगुरु की वाणी पढ़ी नारी दुकान खोल ली, कह कह का ज्ञान नहीं। वो परमात्मा को निराकार बताते हैं कि सतपुरुष निराकार है और साथ में महिमा गाते हैं उसके एक रोम कूप की में इतनी रोशनी है कि करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी फीकी रह जाए, ये कबीर साहब ने अपनी महिमा आप बताई थी। उस वाणी को पढ़कर ही वो तो केला दिए, अपनी सोच को छोड़ दी कि वो निराकार है परमात्मा। और फिर लिखते हैं कि सुना है परमात्मा परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान को अपना ही रूप बनाया, ये राधा स्वामी पंथ वालों की किताबों में ये तीनों प्रकार की व्याख्या विद्यमान है और फिर भी भगवान को निराकार बतावे। यही बात बिगड़ी हुई थी कि हमें अभी तक निर्णय नहीं मिला था कि वास्तव में परमेश्वर है कौन और है कैसा, और फिर वो मिला कैसे, ये तो बाद की बातें हैं। पहले तो ये निर्णय हो कि वो कौन है परमात्मा जिसकी तरफ हम प्रस्थान करें, जिसके पाने का प्रयत्न करें, अभी तक तो यही ना निर्णय हो रहा था। अब कोई कहे परमात्मा निराकार है फिर उसको प्राप्ति क्या, प्रयत्न की क्या आवश्यकता है, ये सारा उलझ पुलझ ज्ञान हो रहा था, अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, चलना चलना बाकी है। पूरे विश्वास हो जाने के बाद फिर प्रस्थान करने में आदमी निसंशय होकर दौड़ लगाता है, और जो संशय में चलता है तो उसको कोई भी रास्ते में टोक दे तेरा रास्ता गलत है वही रुक जाता है। अब निर्संशय होकर के हम भक्ति करेंगे। गीता जी में लिखा कि अर्जुन जब तेरी नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले शास्त्रों के ज्ञान से बुद्धि हटके एक तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगा, तू बिल्कुल दृढ़ हो जाएगा, तब तो तेरी भक्ति प्रारंभ होगी, तब तो तू योगी बनेगा, तब तो तू भक्त बनेगा, अभी तक तो तू भक्त भी हो जा। तो उस संत, उसके लिए उस संत को ढूंढ जो तत्व ज्ञान से परिचित हो, फिर जैसे वो बताओ भाई ऐसे भक्ति करना कि अब कौन से परमात्मा की भक्ति करें, हमने यही निर्णय करके चलना है, तब हम परमात्मा को चाहें भी गे और पाएं भी गे। वो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष है, उसका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर, ये उसी परमात्मा के भाषा भिन्न नाम है। वो परमेश्वर चारों युगों में आते हैं, सतयुग में सत्सुकृत नाम रहता है प्रभु का, और त्रेता में नाम मुनिंद्र होता है, द्वापर में करुणा में नाम होता है मालिक का, यानी यहाँ लोक में युग में आने का एक नाम अलग से रख कर आते हैं, और कलयुग में वो अपने वास्तविक नाम से आते हैं, जो उनका वास्तविक नाम वेदों से कुरान पुराणों से सबसे पहले का जो वास्तविक नाम है प्रभु का वो कबीर है। कबीर, हम उसे कबीर कहने लगे, कबीर वो है, कबीर देव, कबीर देव। अब हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते, जरा सी कोई सिद्धि हो जाती है, साधना करते हैं जरा सी सिद्धि होगी, उस सिद्धि के आधार पर हम फूले फिरते हैं। एक समय की बात है कि गोरखनाथ जी जो बहुत बड़े महापुरुष सिद्ध पुरुष कहलाते हैं,
उन्होंने ओम नाम के जाप से युगों युगों साधना करके एक ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि वो मुर्दे तक भी जीवित कर देते थे। अब मुर्दा जीवित कैसे होता है कि उस साधक की अपनी कमाई देनी होती है, और ये गोरखनाथ जी जैसे महापुरुष पहले किसी समय में परमेश्वर कबीर साहब की शरण में रहे थे। हम असंख्य युगों से भक्ति का प्रयत्न कर रहे हैं और हम बीच में थोड़ी सी हल्दी की गांठ मिल जाते ही पंसारी बनने की चेष्टा करते हैं, और यही कमजोरी हमें अभी तक नुकसान उठा दे रही है क्योंकि हमें ज्ञान पूर्ण हो नहीं पाया और हम ऐसे ही भरमते भटकते रह जाते हैं। गोरखनाथ जी पहले किसी समय में परमेश्वर के बच्चे थे किसी युग में, उस कारण से उनकी बैटरी चार्ज हो रही थी। आपको जो प्रथम मंत्र दिया जाता है उसकी महिमा बताई जाती है कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। के एक दो श्वास का नाम की कीमत है, आपको श्वास दिया का सिमरण दिया जाता है, उसकी इतनी कीमत है कि उसके तुलना में एक पालड़े में वो एक श्वास के द्वारा की गई विधिवत साधना यानी परम संत से उपासना प्राप्त करके पूर्ण संत से, और उसके बाद मर्यादा में रहते हुए आप जो साधना करते हो उसकी एक श्वास की कीमत इतनी हो जाती है कि एक पलड़े में एक श्वास की कीमत रख दे सतनाम की, और दूसरे तराजू के पलड़े में 14 लोक, और ये 3 लोक पर मां विष्णु महेश वाले लोक भी धर दे, ये पासंग रख दे तो भी वो एक श्वास की कीमत का पलड़ा भारी रहता है, अर्थात वो ज्यादा कीमती है। ऐसे ऐसे आप कितने सांस ले रहे हो अब दिन में, और पार ना हुए तो फिर आप पंसारी बन जाओगे अगले जन्म में। मनुष्य जन्म भी होगा जो गुरुद्रोही नहीं होंगे उनका तय, और मनुष्य जन्म होगा तो फिर आपसे बचपन से सिद्धियां शुरू हो जाएंगी और आप भक्ति भूल जाओगे, दुनिया ने राज्यीकरण पर लग जाओगे। ये देखा है कि गांव में एक बाबा जी रहता था, बचपन में उसने ऐसा चमत्कार कर दिया, छोटा सा बालक था उसने ऐसा कर दिया, फिर वो बड़ा होकर के उसका मंदिर बना दिया, मृत्यु होगी उसके बाद कई पीढ़ी तक उसकी पूजा में लगे रहे, और वो अपनी कमाई बर्बाद करके नादान चला गया, प्रभुता का पात्र। ऐसे ही ये गोरखनाथ जी परमेश्वर की पुण्य आत्मा थी पहले के जन्म की किसी जन्म की, और खूब डट कर भक्ति कर गए, पार हुआ नहीं, बीच में कोई न कोई बाधा काल अड़ा ही देता है, इस जीव ने पार होने नहीं देता। अब ये सावधानी आपको इसलिए करवाई जा रही है कि बीमार मत खाना, ये पहले गलती बहुत हो चुकी अपने से जिनका अभी तक खामियां ना भोग रहे हैं। अब आपको सब फाउल पॉइंट बताए जाते हैं, इन तरीके से भक्ति आपका की बर्बाद होती है, इस तरह इसको बचाया जा सकता है, जो दास के वचनों को सही मान जाएंगे उनका बेड़ा पार है। जहां हम जाएंगे सतलोक में, वहां वास्तव में रहने का स्थान है, वो खाली जगह नहीं है, वहां केवल निराकार नहीं है, ये वास्तव में रहने का स्थान ही सतलोक है। ये तो हम गलत जगह कैद में डाल दिए, यहाँ पर अस्थाई ये कैद में दे दिया हमारे को, यहाँ पर ये एक पुनिशमेंट है अपने को। यहाँ देख रहे हैं हमने मकान बना लिया तो ओड़े सिर ना फोड़ेंगे, सर्दी ना सतावेगी, धूप तो बच जाएंगे, नहीं तो सारी ही आपत्तियां ऊपर ही गिर रही हैं, जो दूसरे प्राणी देख रहे हो आप, पशु हैं पक्षी हैं, उनके बच्चे सर्दी में मर रहे हैं, खप रहे हैं, धूप में तड़फ रहे हैं, प्यास पानी मिले ना मिले, मच्छर काटे, तो ऐसे यहाँ हम पुनिशमेंट मिली हुई है। अपने को भी यहाँ क्या सुख है, मनुष्य जीवन में कोई सुखी नहीं है, बेशक चाहे ऊपर ले मनते ठीक ठाक कहता ही रहे पर सुखी कोई नहीं है। हम सतलोक में रहेंगे, वहां उस परमात्मा के क्षेत्र में, इसीलिए ये 4 स्थान बनाए हैं। यदि आपने सतलोक में सह शरीर है, पूरा परिवार होगा आपका, आपके शब्द से उत्पत्ति होगी,
और वहां इतना आनंद होगा, सारे ही ठाठ हैं, खान पीन के भगवान के, वहां पर जो फल फ्रूट तेज पुंज के बने हुए, तेज पुंज के वृक्ष हैं, तेज पुंज का पानी जल है, अमृत है, और तेज पुंज के वहां पर खीर यानी दूध के बहुत बड़े बड़े सरोवर भरे हैं। ये यहाँ काल ने नकल की हुई है, यहाँ पर यहाँ भी अखीर समुद्र है, एक दूध का समुद्र है, काल के लोक में भी उसकी डुप्लीकेट को बनाया हुआ है, और इसके और वहां के तत्व बहुत अंतर है। इसलिए वहां जाने के बाद फिर अपनी कभी मृत्यु नहीं होगी, कभी मृत्यु नहीं होगी, कभी वहां फिर वृद्ध अवस्था नहीं आती, युवा शरीर ही बना रहता है, और वहां कोई गर्मी और सर्दी नहीं, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं, ना कोई काम। अब देखो हर इंसान चाहता है मैं कम काम करूं, सुविधा गणी हो जाए। काम तो हम मजबूरी में करते हैं, अगर बिना किए काम हमारा बात बन जाओ तो कोई कार्य नहीं करे। तो हम यहाँ क्यों ऐसा कर रखे, जैसे रिमोट लगवा रहे हैं, बैठे बैठे टीवी भी चल पड़े, वीसीआर भी चल पड़े, और बैठे बैठे दरवाजे भी खुल जाए, हो सके है बिजली भी ऑन ऑफ होने लग जाए लोटे लोटे। तो कहने का भाव ये, ऐसा क्यों सोच रहे हैं हम ऐसे लोक में रहा करते जहां पर हमने कति प्रयत्न नहीं करना पड़ता था, हमारा तेज पुंज का नूरी शरीर था, वहां पर एक मनुष्य एक प्राणी का जो शरीर की शोभा 16 सूर्य जितना तेज है, इतना सुंदर शरीर है, केवल प्रकाश प्रकाश नहीं, जैसे कई कहते हैं ना भाई इस भाई के शरीर में बड़ा नूर है, इस भगत के शरीर में बड़ा नूर है, बड़ी चमक है, ऐसा शरीर तो मनुष्य जैसा ही है, लेकिन उसमें से जो उसका तेज है, उसमें जो एक कांति है, वो 16 सूर्य के प्रकाश तुल्य है, इतना सुंदर शरीर प्राणी को वहां मिलेगा। तो यहां मैं जो बता रहा था आपको कि एक श्वास की कीमत इतनी है, और उस जैसे एक मुर्दा जिंदा कर दिया गोरखनाथ जी ने या किसी ने, तो गोरखनाथ जी के उतने श्वासों की, जैसे एक मनुष्य वो 20 साल रहा, 10 वर्ष रहा जिंदा हुआ हुआ, उसने जितना उसको श्वास मिलने थे, वो गोरखनाथ जी की पूंजी तो मनुष्य शरीर उसको आगे प्राप्त होना था, वह डिडक्ट होगी, वहां से निकाल कर उसको दे दी अपनी कमाई का। तो इसलिए आदरणीय परमात्मा कबीर परमेश्वर कहते हैं कि मुर्दे कहां जीवा होता, तो भी मुर्दा माही। गोरखनाथ को कहते हैं कि गोरखनाथ जी तू कहां मुर्दे जिंदा करके प्रसन्न हो रहा है, तो भी मुर्दा होगा एक दिन, तेरी पूंजी अक्षीण हो जाएगी। एक समय गोरखनाथ जी आ गए बनारस में। अब ये मन में काफी शंकाएं पैदा कर देते हैं ये जो ज्ञानहीन संतों के शिष्य हैं, और जो केवल वर्तमान में यही देखते हैं कि समकालीन था या नहीं था। आध्यात्मिक मार्ग बहुत ही गहरा है, इसको समझने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। तत्व ज्ञान अभी तक इन संतों ऋषियों के पास वर्तमान में तो रहा नहीं, इसलिए हम हीट एंड ट्रायल मेथड पर ही संबंधित होगे, आश्रित होगे। आंखें देख लें और हमारी मिलती जुलती बुद्धि काम कर रही है, वहीं तक स्टोरी ठीक है तो मान लेंगे, उससे अलग चलती है तो हम कहेंगे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। परमात्मा के मार्ग में इम्पॉसिबल शब्द वर्ड नहीं होता, परमात्मा की महिमा में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं होता, असंभव शब्द नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो हमारी बुद्धि की कमजोरी और ज्ञानहीनता का प्रमाण है। जैसे मौला थल से जल करे और फिर थल कर देते, साहेब तेरी साहेबी मैं श्याम कहूं के श्वेत, के वो परमेश्वर एक सेकंड में और सारी पृथ्वी का जल जल बना दे कति, और दूसरी सेकंड में जो कह त्यों बैठा दे, जो जहां से जैसे थे आपको पता भी ना चला, मरे थे जीव हैं कैसे ही थे, ऐसे ही लगे जैसे स्वप्न में उठे हैं, और जो कहे तो आप अपने घर में जहां यहां बैठे हो तो यहीं बैठे दिखा दे।
तो उस परमेश्वर की महिमा से हम परिचित हो जाएंगे तब बात बनेगी। कैसे? एक समय की बात है, एक संत साधु एक भक्त की झोंपड़ी, उसका घर एक पहाड़ पर था और वो भगत बहुत अच्छा था, कबीर परमेश्वर का साधक था, पूर्ण ब्रह्म का साधक था। वो क्या करता था कि अपनी झोंपड़ी से अपने घर से नीचे आकर वृद्ध हो गया था और नीचे एक तालाब भरा था बहुत सुंदर, उस पे हाथ पर मुंह धोकर जाया करता था, स्नान कर लेता था। अब वो काफी बीमार हो गया, उठा नहीं जा रहा था। अब उसने सोचा कि हे भगवान, आज तो मैं हाथ नहीं धो सकता, मुख भी नहीं धो सकता और स्नान भी नहीं कर सकता, इतनी तड़फ बन गई कि अब क्या होगा, मैं कैसे जाऊंगा, बुखार मुझे बन गया है, शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया है, नीचे तक मैं जा नहीं सकता, क्या होगा मेरे साथ। ऐसी पुकार करके और जरा सा आत्मा से पुकार की थी, हे प्रभु अब क्या होगा मेरा। कहते इतने में इतनी जोर की बारिश हुई कि वर्षा हो करके वो ताला, वो छोटा सा तालाब था, वो भर के और सारा, कहते पूरी पृथ्वी पानी से, पूरी पृथ्वी में पानी कई सैकड़ों फुट इकट्ठा हो गया और उस भगत की उस कुटिया के बिल्कुल पास पहुंचा दिया भगवान ने। और जब उसने मुंह धोया, पानी पिया और फिर धीरे धीरे वापस कर दिया, कहते दो मिनट के बाद फिरनों की सृष्टि, पूरी सृष्टि खत्म कर दी, पूरी पृथ्वी के इंसान खत्म कर दिए और दूसरी मिनट के बाद जो के तो जैसे थे रख दिए, किसी को ये भी नहीं पता तुम मर गए कि जीवो। तो ये जो कथाएं हैं ये परमात्मा के उच्च लेवल की बातें, हमारी बुद्धि से बाहर की बातें। प्रभु जो चाहे सो कर सकता है, एक सेकंड में सारे ब्रह्मांडों को छू मंत्र कर दे और दूसरी सेकंड में जो के नो दर दे, इसको समर्थ परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा की महिमा को सुनते समय मन में अविश्वास और मन ग्रहण कहानियों की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। मन में उमंग उठे खां, भगवान क्या नहीं कर सकता, परमात्मा क्या नहीं कर सकता, प्रभु जो चाहे सो कर सकता है। तो इस प्रकार हमारे अंदर फिर श्रद्धा उत्पन्न होगी। अब इन संतों ने ऐसी दंत कथा और उठपटांग ज्ञान बना दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब करके देखा, ये कोई बात है? अब कोई कई सूर्य बना के दिखाओ भगवान, हम नहीं मानते। तो परमात्मा ने बना दिया और फिर जरूरत पड़ेगी फिर बना देगा, एक सेकंड में जो चाहे सो कर सकता है, इसीलिए उसको प्रभु कहा जाता है, स्वामी कहा जाता है। और जो परमात्मा पर विश्वास नहीं करते वो भक्ति योग प्राणी नहीं है, वो बेसिक ड्रामा करते रहे, उनको लाभ मिला कोई ना। एक समय की बात है, एक नगर में परमात्मा के साधक, दो साधक थे, एक 40 वर्ष से साधना कर रहा था, एक अभी लेटेस्ट ही था 4 वर्ष से प्रभु के चरणों में भक्ति विधिवत जैसा मिली वो करने लगा था। स्वर्ग से एक भगवान की चर्चा करते थे, आनंद आता था। एक दिन देवदूत ने भगवान से कहा कि प्रभु एक नगरी में आपके दो भक्त अटूट श्रद्धा से लगे हुए हैं, परमात्मा आपके बिना तो किसी का जिक्र ही नहीं करते, बड़े आपके सही भक्त वो दो ही हैं उस नगर में। परमात्मा ने कहा ना भाई, उनमें से एक ही मेरा भक्त है, दोनों को नहीं। तो देवदूत ने कहा कि भगवान फिर वो है जो 40 साल से बैठा है, इतनी लंबी दाढ़ी बना रखी आपके नाम पर, भगवान समर्पित है वो तो। परमेश्वर परमात्मा ने कहा ना भाई, वो नहीं, वो जो 4 वर्ष से लगा है ना, वो मेरा सही भक्त है। अब उस देवदूत ने सोचा भगवान के समझन में फर्क रह गया कि तय, कहने लगे जीवन उसका इधर घर है ना उरली साइड में, और वो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, 40 साल से लग रहा, वो है जी आपका सही भगत। भगवान बोले ना भाई, मेरा वो भक्त नहीं है, वो दूसरा जो 4 वर्ष से लग गया ना, उसका इधर नगर है। तो देवदूत ऐसे शर्मा खाज करने लग गया। भगवान ने कहा भी क्या मेरी बात पर विश्वास नहीं तुझे? देवदूत बोला नहीं ऐसी बात नहीं प्रभु, हमारी बुद्धि छोटी है, आप जो कहो वही होगा,
परंतु अब के बताओ मालिक। उसके मन की बात जानकर परमात्मा ने कहा, भाई एक काम करिए, तू प्रतिदिन उनसे 11 बजे मिलने जाता है तो आज तो 2 बजे जाना, और उनसे ये पूछना कल 2 बजे जाना, उनसे ये प्रश्न करना वो के उत्तर दे फिर मुझे बताना। वो 2 बजे पहुंचा 11 बजे की बजाय, अब 3 घंटे लेट। देर होने का कारण वो प्रथम के पास पहुंचा, उसके तो मनमानी थी ना, वो 40 साल से भक्ति कर रहा है, वो सही भगत है, उसी के पास चलता हूं। सबसे पहले उसी के पास गया और उसने पूछा कि देवदूत आज तो बहुत देरी कर दी, आप आते थे ना भगवान की चर्चा होती थी, बड़ा अच्छी तरह समय व्यतीत हो जाता था, आज 3 घंटे हो गए आपकी जो ना रहा जो रहा था, मैं तो आंखें फट गई आपको देखते देखते, के कारण हो गया इतना देर क्यों कर दी। देवदूत कहने लगा, भाई ये कमाल हो गया, और वो कमाल देख के आया मैं। क्या कमाल हो गया? कि भगवान ने कमाल कर दिया, परमात्मा ने आज भाई 1 बजे एक हाथी को सुई के छिद्र से निकालना था, भाई मैं देखने के लिए रुक गया, इसलिए देरी होगी। तो उसे 40 वर्ष के साधक ने पूछा, फिर क्या हुआ? देवदूत ने कहा, भाई भगवान ने कमाल कर दिया, सुई के छिद्र में कहना हाथी निकाल दिया। अब वो 40 साल का महात्मा बन रहा था, ने बोला, देवदूत ऐसी झूठ बोल जो किसी का जच जा, किसी को यकीन हो है क्यों गोपोड़ पेल है, सुई के छिद्र में हाथी निकलता है कभी, क्यों भगवान के जो है ना अविश्वास और हो जाएगा लोगों को ऐसी कथा उल्टी सुल्टी सुनावे तो। अब देवदूत उसके मुंह की तरफ देख रहे, यूं कल तक तो इतनी बढ़िया बात कराया करता राज, यू कति फ्यूज हो गया, उठ कर चाल पड़ा, भगवान ठीक है, कहे तो मेरा डांगर है, इत का भगत है यो, काय का संज, भगवान की लीलाओं में तुझे अविश्वास है, तू भक्त नहीं है, उठ कर चल पड़ा। अब देवदूत ने सोचा, वो 4 साल वाला के जवाब देगा, जब 40 साल के ने ऐसा जवाब दिया है तो उसका विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे ही वो घर गा लगा। अब जो ही वो दूसरे ने पूछा कि देवदूत आज तो बहुत देर कर दी, क्या कारण हो गया, स्वस्थ हो तुम? देवदूत ने कहा, भाई स्वस्थ है, और ये कारण हो गया, आज 1 बजे भगवान ने सुई के छिद्र में हाथी निकालना था, और वो दृश्य देखने खातर में रुक गया, और भाई जब उन्होंने वो हाथी निकाल दिया, भाई कम सुई के छिद्र में का, भाई कमाल कर दिया, भाई अचरज कर दिया भगवान ने, सुई के छिद्र में का हाथी निकाल दिया। तो 4 साल वाला भक्त कहता है कि देवदूत ये भी कोई अचरज की बात है भगवान के लिए, भगवान काट दे सारी पृथ्वी ने छिद्र के अंदर थे, कमाल कर दिया आपने, उसके लिए क्या अचरज है, हमारे जैसे बुद्धिहीनों के लिए अचरज हो सकता है, परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। अब देवदूत ने 4 साल के भगत को सीने से लगाया, 4 साल आयु नहीं थी, यानी 4 वर्ष से साधना करने लगा था, सीने से लगाया, नुबला धन है तेरे माँ बाप ने जिससे जन्म लिया, वो तो जमा बैल बैठा है, उसने तो 40 साल खो दिए डकब में, जो भगवान पर अविश्वास करते हैं, परमात्मा की महिमा में जिसको विश्वास नहीं होता वो भक्त नहीं, वो तो ड्रामा कर रहे हैं। अब क्या कारण है कि हमने परमात्मा के मार्ग में ब्लाइंड फेथ करना होता है, अंधविश्वास, और उस अंधविश्वास का नाजायज फायदा ये ठागे कौन, ये नकली संत। अब भगतजन तो उसी अंधविश्वास से इनके पास पहुंच गए, पूर्ण संत जान मान के, और ये थे दीपक, जैसे पतंग जाते हैं दीपक के ऊपर, एक शीतल वस्तु मान के, एक प्यारी वस्तु समझ कर वो पढ़ते जला दे फूक देते। इन संतों के भक्तों के फूकने का तरीका बहुत मीठा है, स्लो पॉइजनिंग जैसा है। अब ये ऊपर तो मीठे बोलते दिखे पर जीवन बर्बाद कर जाते हैं, न इनके पास भक्ति है, वास्तविक ज्ञान नहीं, और मनुष्य से अनमोल मनुष्य जीवन को इन्होंने खो दिया, ए भगवान। तो ये हम जाते तो थे इनके पास संत समझ के, ये थे असंत, ये तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, शास्त्र विरुद्ध साधक थे। पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23-24 में लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण अर्थात मनमानी पूजा करते हैं,
शास्त्र के विरुद्ध साधना करते हैं उनको ना कोई गति होती, ना कोई सुख मिलता, ना ही उनका कोई कार्य सिद्ध होता, अर्थात सब व्यर्थ है। इसलिए अर्जुन साधना करने के लिए के निर्णय करने के लिए तुझे कर्तव्य और अकर्तव्य की जो काम करने चाहिए, साधना भक्ति की जो क्रियाएं करनी चाहिए और न करनी चाहिए, उनके लिए शास्त्री गवाह है तेरे लिए, और किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। जो दास बताना चाह रहा था आपको कि गोरखनाथ जी बनारस में श्री रामानंद स्वामी रामानंद जी जो कबीर साहब के मुंह बोले गुरुदेव थे, औपचारिक गुरुदेव थे, उनसे चर्चा करने के लिए आ गए, क्योंकि श्री रामानंद जी ने वहां पर 1400 ऋषि प्रचारक बना रखे थे। वैष्णव परंपरा का उत्थान हो रहा था, नाथ परंपरा पतन की तरफ चल रही थी। तो ये बेशक शरीर छोड़कर चले जाते हैं, सिद्धि प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इनकी आस्था यहाँ जैसे पितरों की अपने वंशजों में, अपने अपने वंशजों में, और ऐसे भूतों की अपने परिवार में, ऐसे ही इन संतों की भी फिर अपने ग्रुप में ज्यों की त्यों आस्था बनी रहती है। और इन्हें अपनी कमाई करके स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग से जब चाहे आकर के ये मनुष्य शरीर धारण जो का त्यों करके यहाँ प्रगट होकर अपना कार्य कर सकते हैं, कर जाते हैं। तो ऐसे गोरखनाथ जी वैसे तो बहुत पहले हुए थे, लेकिन ये एक सिद्धि एक मुक्ति होती है जैसे चार मुक्तियों में, तो इनमें कोई सी भी एक मुक्ति जिसको प्राप्त है वो व्यक्ति जब चाहे यहाँ उसी रूप में या दूसरा रूप बनाकर अपने मनुष्य शरीर में यहाँ आ जाते हैं और फिर सह शरीर वापस ले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। हम उनको पहचान नहीं पाते क्योंकि हमने तो उनके चित्र बना रखे काल्पनिक, उनके सकल कुछ और होती है। तो वहां जब यहाँ आते हम पहचान नहीं पाते गोरखनाथ है या कोई और बाबा जी है, वो होते हैं वही संत। जैसे हम कथाएं सुना करते कि एक समागम हो रहा था, वहां पर गोपीचंद भर्तृहरि आ गए, गुरुजी ने थोड़ी देर के बाद बताया कि ये तो यहाँ दो बैठे थे, बताऊं कौन थे, ये गोपीचंद भर्तृहरि थे, जाकर देखा ना पाए। तो ऐसे ये जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे अपने लोक में जा सकते हैं। जैसे सुखदेव ऋषि को स्वर्ग से बुला गया था राजा परीक्षित को उपदेश और कथा सुनाने के लिए, ऐसे ही सुखदेव ऋषि आए थे चरण सिंह चरण दास जी को नाम देने के लिए। चरण दास चरण सिंह ये नहीं जो व्यास वाले, नहीं, एक वैष्णव परंपरा के महात्मा दिल्ली में चरण दास हुए हैं, उनको भी सुखदेव ऋषि ने आकर के उपदेश दिया था और वो अपनी वैष्णव परंपरा चलाई थी। उसी वैष्णव परंपरा में आगे चल के नितानंद जी गुमानी दास वैष्णव के शिष्य हुए थे। तो ये कथाएं हैं, ये इतिहास है इस अध्यात्म का, इससे परिचित होकर ही हम भक्ति करेंगे। भक्ति करना और ये कह देना राम नाम जप लो भाई, मैं नाम दे दूंगा तुम बज लो, ये तो दो अक्षर की बात है, लेकिन उस नाम पर डटे रहना, उसको उसकी से डगमग ना होने के लिए ये सब ज्ञान सुनाया जाता है। ये एक दौड़ बनाई जाती है, एक बाढ़ बनाई जाती है इस भक्ति रूपी खेती को सुरक्षित रखने के लिए। तो गोरखनाथ जी ने आकर के अपनी नाथ परंपरा को बढ़ावा देने के लिए रामानंद जी को ललकारा, स्वामी रामानंद जी को ललकारा, और कहा कि मेरे साथ गोष्ठी कर, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान से आम व्यक्ति से अधिक गोरखनाथ बहुत ज्यादा परिचित थे और उस उनको अपने ज्ञान का अभिमान था, साथ में फिर सिद्धि थी, और वो दोनों अहम दोनों अभिमान गोरखनाथ में प्रवेश थे, और यही जीव के नुकसान का मूल कारण होता है। भक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन अहम है जीव का, किसी प्रकार का भी हो जाइयो, किसी प्रकार का, उसी दिन आपकी भक्ति अक्षीण होने लग जाएगी। तो क्या हुआ कि गोरखनाथ जी ने कहा कि मेरे साथ रामानंद चर्चा करे, और जो हार गया गोष्ठी में शास्त्रार्थ में वो जीतने वाले का शिष्य होगा, तथा सारे उसके शिष्य भी उसी परंपरा में लीन कर दिए जाएंगे, उनको डिजोल्व कर दिया जाएगा।
अब रामानंद जी को पता था कि ज्ञान तो चलो हम भी कहेंगे गोरखनाथ, ज्ञान में तो हम नहीं जाने देंगे गोरखनाथ को, परंतु उसके पास सिद्धि है और लोग ड्रम में देखकर खुश होते हैं। और शास्त्रार्थ का फैसला कैसे होता था, श्रोतागण सुनते थे, दो जने बैठ जाते थे, दो भक्त, दो संत, दो ऋषि आपस में चर्चा करते थे और फैसला था उन श्रोताओं के हाथ में, जो ताड़ी जिसकी घड़ी बजा दे वो विजयी हो जाता। और भले ही उनको कुछ पता नहीं ये बोल क्या रहे हैं या कह क्या रहे हैं, कुछ ज्यादा संस्कृत बोल देता वो प्रशंसा का पात्र हो जाता, विजयी हो जाता। ये शास्त्रार्थ ने ईब तक घर गाल रखे थे। आपने सत्यार प्रकाश के विषय में विस्तृत व्याख्या रहने कर्म सुनाते रहे हैं, उसमें महर्षि दानंद जी से प्रश्न करता है, प्रश्न करता कि परमात्मा साकार है कि निराकार। सातवें समुल्लास में 154 पृष्ठ पर कहता परमात्मा निराकार है, 155 पर सिद्ध कर रहा है परमात्मा साकार है। यानी ऐसी ऐसी बिल्कुल बेतुकी बातें उस सत्या प्रकाश में घुसेड़ रखी है, लेकिन संस्कृत बोलना जाने था, लोगों ने ताड़ी पीट दी, वाह महर्षि महर्षि हो गया। और सारी ओठ पटांग बातें, सारी निराधार बातें वेद के विरुद्ध लिख रखी। तो ऐसे इनके इनका तुक्का न्यों लग रहा इन संतों ऋषियों का। और परमात्मा आए थे, कबीर परमेश्वर आए थे, वही तत्व ज्ञान जो आज दास बता रहा है, उन्हें की दी हुई है कथाएं सुना रहा हूं उनके द्वारा, जो मालिक ने मेहर बख्शी थी अपने समय में। लेकिन उस समय के ऋषियों ने और महर्षियों ने, इन ब्राह्मण लोगों ने, ब्राह्मण मीन जो भक्ति कराते हैं गुरु लोग, ब्राह्मण वैसे तो भक्त को कहते हैं, साधक को कहते हैं। और फिर इनको पदवी दे दी जाती है गुरु पद की, कि यही शिक्षक हैं, यही हमें भक्ति मार्ग बताएंगे, इसलिए वो गुरु पद पर आ गए थे। उनको ज्ञान था नहीं शास्त्रों के विषय में, और परमात्मा को कहा ये तो मूर्ख है, ये क्या जाने वेदों के बारे में, ये क्या जाने संस्कृत गीता जी के बारे में, क्या जाने ये पुराणों के विषय में, ये झूठ बोलता है, ये कहीं नहीं लिखा ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, ये तो अजर अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। ठीक है, हमारे पूर्वज बोले बाड़े थे, उनको ज्ञान था नहीं, उन्हें सोचा भी ये ऋषि जी तो विद संस्कृत जानता है और शास्त्र भी संस्कृत में है, और हमारे गुरु जी कबीर परमेश्वर ये तो अशिक्षित है, ये वेदों के विषय में तो नहीं जानते होंगे, यह बात न्यों बिगड़ी रही। और परमात्मा क्या कहते हैं, वेद हमारा भेद है और मैं वेद में ना, और जिस वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते ना, वेद तो मेरा ही गुणगान कर रहे हैं। अब चारों वेदों में कबीर साहब की महिमा ने ठोक कवर रखी है, पूर्ण परमात्मा कबीर है, ब्रह्मांडों का रचनहार कबीर है, सारे दुखों का निवारण करने वाला कबीर है, वो जब चाहे आ जाता है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। तो गोरखनाथ जी ने जब ये प्रचार अपना जो सूचना भेजो कि भाई ये तो सिद्धि दिखा देगा, लोग ताड़ी पीट देंगे और युद्ध बात बिगड़ेगी, चिंतित हो गए। उसी समय परमेश्वर कबीर साहिब अंतर्यामी अपने गुरुदेव के पास पहुंच गए और पूछा, गुरुदेव क्या बात है, शरीर स्वस्थ है क्या आपका? परमेश्वर स्वामी जी ने कहा कि भगवान शरीर तो स्वस्थ है, पर एक सिर दर्द पैदा हो गया, एक गोरखनाथ आया है, एक नाथ जी आया है, जब तक ये ना पता था ये गोरखनाथ है, एक नाथ जी आया है, बड़ा सिद्धि वियुक्त बताते हैं, और उसने ऐसे ऐसे दलकारा है, वो जाते ड्रामा दिखा देगा, लोग ताड़ी पीट देंगे और वही आपने हरा देंगे। परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं स्वामी जी, वैसे तो आपका जो आज्ञा हो वैसे करेंगे, चलते हैं देख लेंगे, और संत तो हारे भी अच्छे, कम से कम को ज्ञान चर्चा होगी, कोई भगत तो सुन लेगा ज्ञान चर्चा को। तो परमेश्वर की ये बात सुनी तो स्वामी जी को हिम्मत होगी कि जब कबीर साहब ने ये बात कह दी तो बात कुछ और बनेगी, चल पड़े। अब क्या था, इधर रामानंद, एक तरफ तो रामानंद जी का आसन, एक तरफ
गोरखनाथ जी का आसन, और गोरखनाथ जी ने एक त्रिशूल गाड़ रखा 6.5 फुट का वहां आपके अपने पास। त्रिशूल होता ऊपर से तीन तीर जैसे, तीन ऐसे सिरे से होते हैं, उसके नीचे से एक लोहे का पाइप सा होता है, नीचे भाले तुल होता है, उस भाले को तो जमीन में गाड़ देता है, ऊपर से तीन ऐसे खूटी सी होती है तीर तीर की तरह, उसको त्रिशूल बोलते हैं। अब कबीर स्वामी रामानंद जी का आसन लगा था, कबीर साहब उनके चरणों में जमीन पर बैठ के अपने गुरुदेव की गुरु शिष्य की भूमिका निभाते हुए, और इधर गोरखनाथ जी बैठे हैं। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद जी मेरे साथ चर्चा करो, गोष्ठी करो। परमात्मा ने कबीर साहब ने कहा कि पहले मेरे साथ गोष्ठी करो गोरखनाथ जी, पीछे मेरे गुरु जी से बात कीजिए। अब जब गोरखनाथ जी कहा परमेश्वर ने, तो गोरखनाथ के कान तो खड़े हो गए कि मुझे कोई पहचानने वाला नहीं था, इसी ने पहचान लिया, जान गया। तो बता कबीर साहब ने बताया कि गोरखनाथ है ये जो हमारे साथ गोष्ठी करने आया है। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि उस दिन कबीर साहब ने क्या काम किया कि जो वैष्णो साधु होते हैं ना, वैष्णो परंपरा के विष्णु जी के उपासक, ये क्या करते हैं, गल में एक माला जिसमें एक ही मनका होता तुलसी का मोटा सा, और एक जनेऊ से में डालकर धागे में डालकर वह कंठी में डाल रखते हैं, और एक माला वैसे डालते हैं, वैसे डालते एक माला 108 मणियां की जाप जूप करण खातर रखा करें। लेकिन वो एक मनिये वाली जो माला है, एक मनके वाली जो कंठी बोले उसने, वो पहचान है कि वैष्णो साधु है, माथे में तिलक और हाथ में एक लुटिया लोटा करमंडल सा साथ रखे, एक जोड़ी और एक सोटी एक फावड़ी सी रखे, वो सारा साजबाज देखकर कबीर साहब उस दिन सज धज कर गए थे, पूरे वैष्णो साधु बन गए, वैष्णो साधुओं जैसी संतों जैसी वेशभूषा पूरा साजबाज बनाकर स्वांग रच कर गए थे। तो गोरखनाथ ने कहा कि कबीर तू कल का बालक, तू कब से योगी हो गया, कब से तू बैरागी बन गया, कब से तू वैष्णो साधु बन गया, और दो कल का बच्चा तेरी उम्र क्या है, तू गोष्ठी करेगा गोरखनाथ से। तो परमात्मा कहते हैं कि गोरखनाथ जी यदि मेरी उम्र पूछता है तो वो बताता हूं कि मैं कब से बैरागी बन गया, कब से बहे बैरागी कबीर जी, कब से भये बैरागी। रामानंद गोरखनाथ जी कहते हैं तू कब से बन गया बैरागी, परमात्मा कहते हैं कि मैं बताऊं कब से, नाथ जी कब से भया बैरागी, नाथ जी जब से भया बैरागी मेरी आद अंत सुध लागी, दो दो कार आद का मेला नहीं गुरु कोई ना था चेला, तब का तो हम योग उपास्या तब का फिरूं अकेला। कहते हैं मैं उस समय से बैरागी हूं जब ना तो ये पृथ्वी बनी थी, ना कोई ब्रह्मांड रचे थे, एक अनामी लोक था वहां मैं अकेला रहता था। धरती नहीं जद कटी टोपी दीन्या, ब्रह्मा नहीं जद कटी का, एक टोपी पहनते थे वैष्णो साधु, एक टोपी एक माथे में टीका हाथ में लुटिया जोड़ी डंडा ये सारा साजबाज ले रहे थे। धरती नहीं जद की टोपी दीन्या, ब्रह्मा नहीं जद का टीका, शिव शंकर से योगी ना थे तब का झोड़ी सिक्का, द्वापर की हम करी फावड़ी त्रेता को हम दंडा, सतयुग मेरी फेरे दुआही कलयुग फेरो नो खंडा। गुरु के वचन साध की संगत अजरग अमर घर पावे, कहे कबीर सुनो हो गोरख हम सबको तत्व लखावे।
आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।